हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का दिन कैसा रहा आपका? आपने कुछ ट्रेड किए, कुछ पैसा बनाया, कुछ लर्न किया अबाउट स्टॉक मार्केट और नॉट, या कैसा दिन गया आपका? आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। देयर हैड बीन अ बिग बिग स्ट्रगल बाय द सेलर्स एज वेल एज फ्रॉम द बायर्स साइड। दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन बनी हुई थी। वेयर एज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो थी एक थोड़ा स्ट्रेस में ही थी। एनीवे, ये मार्केट में चलता रहता है। और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ 11 अक्टूबर 2024 को, और शायद आपको 12 या 13 को मिलेगा। मैं आपके लिए कुछ कैश के स्टॉक्स लेके आई हूँ जो आपको टुवर्ड्स दिवाली दे कैन गिव गुड रिटर्न्स। दिवाली आने में कुछ अभी अबाउट 3 वीक्स है। 3 वीक्स तक आप इनमें 10-12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आई वुड से कि 3 वीक्स की जगह 4-5 वीक्स भी रख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से तो रिटर्न पहले ही मिलना चाहिए। तो ये दिवाली पिक्स नहीं है। दिवाली पिक्स आपको प्लस माइनस वन डे पे ही मिलेंगी। वो इस दिवाली से अगली दिवाली तक के लिए होती है। ये जो है अभी से लेके दिवाली तक की पिक्स है। तो मैं जो सबसे पहला स्टॉक जिसकी बात कर रही हूँ वो है एंजल वन। उसका सिंपल सा रीजन यही है कि आज अगर आपने देखा होगा तो CDSL में ब्रेकआउट आया था, BSE में ब्रेकआउट आया था, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो की डील करती है इनटू स्टॉक मार्केट में जैसे ट्रेड करने के लिए। BSE है, जैसे BSE इज एन एक्सचेंज, CDSL इज अ डिपॉजिटरी, और एंजल वन इज अ बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर। तो मुझे क्या लगता है कि एंजल वन में काफी समय से अच्छे खासे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और क्योंकि ये सेगमेंट मूव कर रहा है, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट एंजल वन विल ऑल्सो गिव यू अ गुड ब्रेकआउट। आप देख सकते हैं सामने आपके कि ये प्राइस एक्शन आपके सामने डेवलप हो रहा है। आपको यहाँ पे इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहीं पे दिखाई दे सकती है जैसे ही ये पास बैरियर क्रॉस होगा, और आप इसमें ढूंढ सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी को। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द लेवल्स एंड ऑल, बट आई एम स्टडिंग द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। वेर एवर इट इज द मोमेंट यू नो द पास्ट बैरियर्स आर ब्रोकन। पास्ट बैरियर्स जो है इसके स्टॉक के हैं कुछ 2854। अगर 2854 क्रॉस होता है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर, तब आपको इसमें 2900 और 3000 तक के टारगेट्स इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। और अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो 3100 तक के टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका एक्युमुलेशन जोन रहने वाला है। तो फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू गिव इज नथिंग बट एंजल वन, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है, जिसको मैं काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अच्छा खासा कैश डिप्लॉय हो रहा है लगातार, और प्राइस जो है ना एक बहुत शानदार बिल्डअप्स दिखा रहा है। ये स्टॉक मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिर गया था। बट ऐसे ही होता है कि जब मार्केट करेक्ट होते हैं तो सारे स्टॉक्स में, खासतौर से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, जबरदस्त गिरावट आती है। तो आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1800 के ऊपर। ये स्टॉक है इलेक्ट्रा क्लीन टेक, इसमें आप 1800 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1900 फॉर द फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 1957 का, और अगर वो क्रॉस हो जाता है देन आपको नेक्स्ट टारगेट इसमें मिलेगा 2000 का, राइट। तो ये करीब 10% का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम बाइंग कर रहे हैं 1800 के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रा क्रीम। ये मैं केवल आपके साथ प्राइस शेयर कर रही हूँ, आपको इन सारी कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक करने। अगर आपको अच्छे लगते हैं तभी आप इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। आई एम नो वन रिस्पॉन्सिबल। मैं केवल आपके साथ प्राइस को डिस्कस करती हूँ, क्या हो रहा है मार्केट में वो डिस्कस करती हूँ, राइट। चॉइसेस आप खुद बनाते हैं और फिर यहाँ पे आप लोग आके कुछ कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं बहुत समय से देखने लग रही हूँ, उस स्टॉक का नाम है बारबेक्यू नेशन। बारबेक्यू नेशन जो है लगातार देखिए एक ब्रेकआउट आया, इसने लॉन्ग कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, और अब जो है ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, वो बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये स्टॉक अपने पास्ट बैरियर को आज ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी में था। अगर ये पास्ट बैरियर ऑफ 690 का क्रॉस हो जाता है तो आपको इसमें 720, 745, 750, फाइनली आपको 780 के टारगेट इसमें जरूर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाहती हूँ कि डेली डेफिनेटली इज वेरी गुड, इवन वीकली चार्ट्स आर लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। आई फेल्ट वीकली वॉज अ मच बेटर यू नो चार्ट। उसका रीजन था कि यहाँ पे देखिए इस कैनल के बाद प्राइस थोड़ा सा इनसाइड कैनल्स बनी है, हॉरिजॉन्टल गया प्राइस और फिर इस वीक में ब्रेकआउट आया। तो आप बाइंग इसमें सोच सकते हैं अबव 690 फॉर अ टारगेट ऑफ 770, 780
और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर 800, 820, 850, 900, ये सारे टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बारबेक्यू इज माई थर्ड स्टॉक। उसके बाद जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है डॉलर, डॉलर इंडस्ट्रीज। डॉलर को भी मैं लगातार काफी समय से देख रही हूँ और ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस वीक इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई है। अब आप इसमें बाइंग ढूंढ सकते हैं 555 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 500 का और टारगेट्स रहेंगे 585, 600, 625 एंड 660 के। आई थिंक ये मैंने अभी आपको कहीं रिसेंटली दिया है, बट दोबारा से आज मेरे रडार पे आया तो मैं आपसे दोबारा शेयर कर रही हूँ। स्टॉक्स बहुत सारे हैं बट अभी सारे देने पे आप बोलोगे कि आपके पास इतने सारे दे देते हो तो कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक और स्टॉक मैं दे देती हूँ, उस स्टॉक का नाम है KSB लिमिटेड, KSB लिमिटेड। और इस स्टॉक में भी जो है वही चीज हो रही है जो बाकी स्टॉक में हुई है कि काफी 2-3 वीक से जब मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था। अब स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं 921 के ऊपर, फॉर टारगेट्स ऑफ 960,000, 1040, 1020, 1040 एटसेट्रा। 1050 का इसका फाइनल टारगेट होगा और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 10% का मूव आपको जरूर आता हुआ दिखाई देगा। आपका स्टॉप लॉस इसमें, सिंस हम एंटर कर रहे हैं 920 पे, आप इसका स्टॉप लॉस 850 पे लेके चल सकते हैं। तो ये चार पांच स्टॉक्स हैं मेरे रडार पे, एंजल वन, इलेक्ट्रा ग्रीन, बारबेक्यू नेशन, केएसबी लिमिटेड एंड डॉलर इंडस्ट्रीज। इनको ध्यान में रखिएगा, कहीं पे ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम ज्यादा। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो राइट साइड में 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे जाके वॉल्यूम्स को एक्टिवेट कर दीजिए। अगर आपको अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखाई देते हैं, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग व्यू, अगर आपको अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई देते हैं आप इन सारे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, और साथ जुड़े रहिए, ट्रेड करते रहिए, पैसा बनाएंगे। आज का ट्रेड था बंधन बैंक जो 205 पे दिया था, 211 के आसपास बंद हुआ है। 6.3% का मूव FNO के स्टॉक में बहुत 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 बढ़िया होते हैं। अगर आपने किसी में भी ट्रेड किया और पैसे बनाए तो थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बनता है, और ये वीडियो शेयर करिए किसी के साथ जिसको आप जानते हो और सोचते हो कि वो लगातार प्लस कर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे।